हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने जैसे 3.2 कंप्लीट कर लिया था, आज हम शुरू करने वाले हैं 3.3। तो चलिए, 3.3 शुरू करने से पहले हमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ है फ्रेंड्स। और अब इसका ए डैश होता है, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डायगोनल मैट्रिक्स एज इट इज, मतलब ये लाइन एज इट इज, और इसको यहां पर लिखना है और इसको यहां पर लिखना है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर डायगोनल एज इट इज, तो 1 5 और 9 एज इट इज, 2 की जगह पर 4 आ जाएगा और 4 की जगह पर 2 आ जाएगा, उसके बाद 7 की जगह पर 3 आ जाएगा और 3 की जगह पर 7 आ जाएगा, और अब 8 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर 8। तो ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज, और ए डैश, ए डैश भी कह सकते हैं इसका। और एक, चलिए इसका और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अब मैं ले रहा हूं कुछ बी मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं यहाँ पर। बी इज इक्वल्स टू 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और अब मैं यहां पर लिखूंगा बी डैश, बी डैश मतलब बी ट्रांसपोज। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, डायगोनल मैट्रिक्स एज इट इज, डायगोनल मैं लिख रहा हूं 10 14 और 18, और अब 11 की जगह पर 13 और 13 की जगह पर 11। अब क्या लिखना है, 12 की जगह पर 16 और 16 की जगह पर 12, और अब है हमारे पास 17 और 15 17 की जगह पर 15 और 15 की जगह पर 17। चलिए, तो ये भी हमारा बी डैश हो गया। इसके समझने के बाद हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने वाले हैं। और एक मिनट, आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। एग्जांपल 3, इस पर मैं ले रहा हूं कोई सी मैट्रिक्स है हमारा, ऐसा कुछ सिंपली फ्रेंड्स, ये कॉलम की जगह पर रो आ जाना चाहिए और रो की जगह पर कॉलम आ जाना चाहिए, पता चला है फ्रेंड्स? चलिए, यहां पर मैं कुछ ले रहा हूं 1 2 7, इसका मुझे सी डैश फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये हमारी हमारा हमारा एक कॉलम है, उसको रो में लिख दूंगा बस सिंपली। तो हमारा आ जाएगा 1 2 और 7, बस खत्म हो गया, बस ऐसा ही करना है फ्रेंड्स पूरी एक्सरसाइज 3.3 में। तो चलिए, अब मैं शुरू करवा रहा हूं एक्सरसाइज 3.1, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 1, उसमें हमें दिया हुआ है कुछ मैट्रिक्स 5 1 by 2 और -1, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो डायरेक्टली आ जाएगा 5 1 by 2 और -1। सिंपली फ्रेंड्स, ये रो थी, ये कॉलम थी सॉरी, उसको मैंने रो में लिख दिया, बस ऐसा ही करना है। तो चलिए, अब मैं सेकंड सम करवा रहा हूं। सेकंड सम में है 1 -1 2 और 3, इसका भी ट्रांसपोज। तो मैं यहां पर डायगोनल एज इट इज रखूंगा 1 3 एज इट इज, और -1 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 1, तो हो जाएगा ऐसा कुछ। ये सम भी सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। चलिए, अब थर्ड सम करवा रहा हूं। थर्ड सम हमारा है -1 √3 2 5 5 3
सिक्स माइनस वन इसका डैश। बहुत इजी है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी फ्रेंड्स ये लाइन टेढ़ी हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स एज इट इज, तो माइनस वन फाइव और माइनस वन एज इट इज, इसके बाद फाइव की जगह पर रूट थ्री और रूट थ्री की जगह पर फाइव, अब सिक्स की जगह पर टू और टू की जगह पर सिक्स और सिक्स की जगह पर थ्री और थ्री की जगह पर सिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया, अब हम करने वाले हैं सेकंड सम, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए सेकंड सम है हमारा, ये हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, और हमें बी कुछ ऐसा दिया हुआ है -4 1 1, 1 2 3, -5 0 और 1, और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले वेरीफाई करो ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, ऐसा बोला हुआ है, और सेकंड में ऐसा बोला हुआ है कि ए माइनस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश। चलिए फ्रेंड्स बहुत इजी सम है, मैं ये करवा सेकंड नंबर करवा दूंगा ना, तो आपका फर्स्ट सम ऐसे ही आ जाएगा। चलिए मैं फर्स्ट सम करो, पहले सेकंड सम करवा रहा हूँ, तो फर्स्ट सम आप खुद कर लेना। सेकंड सम यहाँ पर है, यहाँ पर बोला हुआ है ए माइनस बी का होल डैश LHS, वैसे पहले मैं LHS प्रूव करूंगा इसका, ए माइनस बी का होल डैश, तो हमारे पास है -1 2 3 5 7 9, -2 1 1 और माइनस बी हमारे पास है -4 1, -5 1 2 0, 1 3 1 का होल डैश। तो चलिए पहले सबसे, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रेंड्स -1 प्लस 4, तो हो जाएगा -1 प्लस 4, तो हो जाएगा 3, 2 माइनस 1 तो 1, 3 प्लस 5 तो हो जाएगा 8, 5 माइनस 1 तो 4, 7 माइनस 2 तो 5, 9 माइनस 0 तो 9, -2 माइनस 1 तो -3 और 1 माइनस 3 तो हो जाएगा -2, 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 0। इसका डैश करना है, उस पूरे का डैश करना है, यहाँ पर डैश दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर डैश लिखूंगा इसका, डायगोनल एज इट इज 3 5 0 एज इट इज, 4 माइनस 3 माइनस 2, 1 8 और 9, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने LHS प्रूव कर दिया है, अब मैं लूंगा इसका RHS। RHS क्या होने वाला है फ्रेंड्स, RHS कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है फ्रेंड्स, RHS इज इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश, तो मैं डायरेक्टली ए ए डैश ए से सीधा ए डैश लिख सकता हूँ और बी की जगह पर बी डैश, तो मैं यहां से लिख रहा हूं यहाँ डायगोनल एज इट इज, यहाँ भी डायगोनल एज इट इज, तो -1 7 7 1, यहाँ पर हो जाएगा 5 -2 1 और यहाँ पर 2 3 और 9, यहाँ पर है डायगोनल -4 2 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 3, यहाँ पर 1 -5 और 0, तो ये हमारा ए डैश और बी डैश है हमारे पास, तो इसका आंसर बस माइनस करना है हमें, तो हो जाए -1 प्लस 4 तो 3, 5 -1 तो 4, -2 -1 तो -3, 2 -1 तो 1, 7 - 2 5, 1 - 3 तो -2, 3 + 5 तो हो जाएगा 8, 9 - 0 तो 9 और 1 - 1 तो 0।
आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल ही है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। वैसे ये आप फर्स्ट सम कर लेना फ्रेंड्स, सेम सिमिलर टाइप का है, आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए अब मैं करवा रहा हूं थर्ड सम। थर्ड सम भी वेरी वैसा ही वेरिफिकेशन है, तो भी चलिए एक बार देख लेते हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ ये रहा हमारा कलर पैड, यहाँ पर है थर्ड सम मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा ए डैश इज इक्वल्स टू 3 - 1 0, और हमें दिया हुआ है 4 - 2 - 1, और बी हमें दिया हुआ है -1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 3। अब मैं इसमें मैं फर्स्ट करवा देता हूं तो आपका सेकंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए मैं करवा रहा हूं यहाँ पर फर्स्ट सम में ऐसा कुछ प्रूव करना है, ए प्लस बी डैश प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। पर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सिर्फ ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए डैश नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ राइट साइड पर लिख रहा हूँ ए डैश। ए डैश हमारा हो जाएगा 3 - 1 - 0 - 4 - 2 - 1, और हमारा बी डैश हो जाएगा -1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इस सबको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको आर एच एस टू एल एच एस प्रूव कर रहा हूँ, आर एच एस टू एल एच एस। आर एच एस है ए डैश प्लस बी डैश, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, ए डैश है हमारा 3 - 1 - 0 - 4 - 4 - 2 - 1, माइनस बी डैश क्या है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स ये तो, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, हाँ सॉरी फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा ए था, ये हमारा ए था, ये हमारा ए है क्योंकि हमें यहाँ पर ए डैश दिया हुआ है। मैं यहाँ पर ए डैश लिखूंगा 3 - 4 - 1 - 2 - 0 - 1, प्लस बी डैश हमारे पास है -1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इज इक्वल्स टू हमारा आंसर आ जाएगा 3 - 1 - 2 - 4 - 1 - 5 - 1 - 2 - 1 - 2 - 4 - 0 - 1 - 1 - 1 - 3 - 4। ये हमारा आर एच एस का आंसर है। अब मैं यहां पर करने वाला हूं एल एच एस। ठीक है फ्रेंड्स, एल एच एस हमारे पास है ए प्लस बी का होल डैश, तो ए प्लस बी तो हो जाएगा 3 - 1 - 0 - 4 - 2 - 1 - बी, बी हमारे पास है -1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 का होल डैश, का होल डैश हमें दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 - 1 तो हो जाएगा 2, -1 + 2 तो 1, 0 + 1 तो 1, 4 + 1 तो 1, 2 + 2 तो 4, 1 + 3 तो 4, इसका डैश, तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इज इक्वल्स टू 2 - 1 - 1, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर 4 + 1 है तो यहाँ पर 5 आएगा, 5, 4 और 4, यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम करने वाले हैं फिफ्थ सम। फोर्थ सम भी ऐसा ही है फ्रेंड्स, आप देख लेना, आप कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। आप लिख लीजिए 3 - 2 - 1, चलिए यहाँ पर लिख देना सिर्फ एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। चलिए 3 - 2 - 1,
आ गया है हमारा कलर एडिटर। चलिए मैं अब करवा रहा हूँ फिफ्थ सम में हमें ऐसा कुछ प्रूव करना है, ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। हमें कुछ ऐसा प्रूव करना है, तो हम क्या कर, और हमें ए कुछ दिया हुआ है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 1 - 4 3, और हमें बी दिया हुआ है -1, सॉरी फ्रेंड 1 2 और 1। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सबसे पहले ए बी का होल डैश मतलब ए इंटू बी, तो हमारा हो जाएगा 1 - 4 3 - 1 2 और 1 का होल डैश इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन है फ्रेंड, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, तो हो जाएगा 4 - 8 - 4 - 3 6 और 1 का होल डैश। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -1 2 1 4 - 8 - 4 और -3 6 और 1। अब मैं RHS प्रूव करने वाला हूं, आप देख लीजिए हमें RHS दिया हुआ है, RHS हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है बी डैश इंटू ए डैश, तो मतलब हमारा बी डैश क्या हो जाएगा -1 2 1 है ना रोज में, तो मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा सिंपली -1 2 1 * 1 - 4 3, ये ए डैश है। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लास्ट लेक्चर में सिखाया था ना वही है -1 4 - 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 8 6 और 1 - 4 और 3, सॉरी फ्रेंड्स 3 नहीं आएगा यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। चलिए फ्रेंड्स ये सम भी सॉल्व हो गया है, अब मैं करवा रहा हूँ सिक्स्थ सम, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए सिक्स सम में करवा रहा हूं यहाँ पर, बहुत ही इजी सम है, बहुत ही इजी सम है, आप घबराइए बिल्कुल भी मत। हाँ ये रहा। चलिए अब हम करने वाले हैं सिक्स सम में हमें वेरिफिकेशन ही करना है, वेरिफिकेशन तो बहुत ही इजी सम्स होते हैं, तो चलिए और इसके बाद हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे। सिक्स सम में फर्स्ट है ए इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा -साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और हमारे पास हमारे हमें प्रूव करना है ए डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ए डैश लिखूंगा, ए डैश इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा -साइन अल्फा और कॉस अल्फा, आपको दिख रहा है ना ये एज इट इज, और इसको चेंज कर दिया। चलिए हमें ए इंटू ए डैश करना है, अब तो हम करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा -साइन अल्फा और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा -साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में सीखा था ना हमने, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर कॉस इंटू कॉस ये साइन टू साइन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर हो जाएगा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यहां पर मैं नीचे क्या लिखने वाला हूं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मल्टीप्लीकेशन सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, यहां पर होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तब अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वन, और नीचे भी यहाँ पर भी वन, और यहाँ पर ये माइनस साइन प्लस साइन, माइनस साइन प्लस साइन, तो जीरो जीरो, ये जीरो और ये भी जीरो, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। और हमें ये आर एच एस प्रूफ किया, तो हमारा आर एच एस कुछ ऐसा है, आर एच एस हमें आई दिया हुआ है, आई का मतलब यही होता है ना 1001। देखिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस लिखेंगे, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। तो चलिए आप लिख लीजिए, अब हम सेवंथ सम करने वाले हैं, क्योंकि सिक्स सम में सेकंड सम बहुत ही इजी है, वो आप खुद कर सकते हैं। चलिए 3 2 1 लिखिए फ्रेंड्स। मैट्रिक्स चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिर्फ एलजीब्रा के बेस पर है, तो सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बाकी बहुत ही इजी सम है, आप देख रहे हैं ना, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक देखिए, सपोज मैंने ए कुछ ऐसा लिया है 1 2 3 और यहां पर मैं ले रहा हूं 0 0 0 और 0 0 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा ए डैश, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये 1 2 3 डायगोनल मैंने एज इट इज रखे, डायगोनल एज इट इज, बाकी सबको रोटेट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, आप कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं दोनों को देखकर, ये दोनों इक्वल ही है, तो हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू ए डैश, तो मतलब सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अब सेकेंड सम, और एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, अब मैं कुछ बी सपोज कर रहा हूं, बी है हमारे पास, एक मिनट फ्रेंड्स, बी मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं 0 0 0 और यहां पर ले रहा हूं 1 -1, सॉरी मैं 1 नहीं लूंगा, 2 -2 2, यहां पर -2 2 और -2, मैंने कुछ ऐसा लिया, तो अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स, डायगोनल एज इट इज, इस पर तो डायगोनल एज इट इज, तो लिख लीजिए 0 0 0 और यहां पर हो जाएगा -2 2 -2 और 2 2 और -2, यहाँ पर 2 होगा सिर्फ, यहाँ पर माइनस आएगा। आप कुछ सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं फ्रेंड दोनों में? यस, ये बी डैश है ना इज इक्वल्स टू माइनस बी है, सो बी इज स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इसके बेसिस पर हम 7th 8th 9th 10th 11th 12th सम्स देखते हैं, सॉरी 5 6 सम्स देखते हैं, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए अब मैं शुरू करने वाला हूं 7th सम। 7th सम में हमें क्या बोला हुआ है फ्रेंड्स, शो दैट ए इज इक्वल्स टू दिस 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिर्फ शो करना है। चलिए
सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज मतलब डायगनल एज इट इज, तो 1, 2 और 3 एज इट इज। और अब इसका चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा -1, 5, 1, यहाँ पर -1, 5, 1। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये दोनों इक्वल है, तो मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा ए डैश इज इक्वल्स टू ए, तो हो जाएगा सो ए इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं यहां पर करने वाला हूं सेकंड सम। सेकंड सम है हमारा, हमें ऐसा ही कुछ प्रूव स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ प्रूव करना है। यहां पर है 0, 0, 0, 1, -1, 1। देखिए मैंने फ्रेंड्स ऐसा ही एग्जांपल लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा था। चलिए इसका डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डैश इज इक्वल्स टू 0, 0 डायगोनल एज इट इज, यहाँ पर हो जाएगा -1, 1, -1, यहाँ पर हो जाएगा 1, -1, -1, यहाँ पर माइनस है फ्रेंड्स। तो आप देखिए ए डैश में से कोई एक -1 कॉमन लिखा निकाल लूंगा ना मैं, तो क्या हो जाएगा ए ही आ जाएगा, पूरा पूरा ए ही बन जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या होगा 1, -1, 1, -1, 1, 1, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर -1, 1 और -1 आ जाएगा। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये है ए। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम फाइंड कर देखेंगे एट सम। आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए एट सम है हमारा ए इज इक्वल्स टू 1, 5, 6 और 7। और हमें प्रूफ क्या करना है फ्रेंड्स, हमें प्रूफ ये 1 दिया हुआ है ए प्लस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए तो मैं ये फाइंड आउट करता हूँ। हम सबसे पहले ए डैश फाइंड आउट करेंगे, तो 1, 7, 5 और 6, तो हमारे पास पास है ए प्लस ए डैश, तो हो जाएगा 1, 5, 6, 7 प्लस 1, 6, 5 और 7। ये क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर है 2, 11, 11 और 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये हमारा है कुछ सी मैं ले रहा हूँ, ए प्लस ए डैश को मैं कुछ सी सपोज कर रहा हूँ। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगा, तो चलिए इम्प्लाइज सी डैश पे फाइंड आउट करूंगा 2, 14 एज इट इज, और यहाँ पर 1, 11, 11 एज इट इज। तो चलिए हम इस पे से बोल सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू सी डैश, सो ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए तो आप लिख लीजिए और मैं यहां पर आप लिख लीजिए 3, 2, 1, और सेकंड सब भी मैं करवा रहा हूं, आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए सेकेंड सम है हमारे पास ए माइनस ए डैश,
चलिए हमें ए डैश भी है हमारे पास अब तो अब हम सेकंड सम करेंगे ए माइनस ए डैश, ठीक है ना फ्रेंड्स। ए डैश क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है ऊपर, तो चलिए मैं ए माइनस ए डैश को कुछ बी सपोज कर रहा हूँ। बी इज इक्वल्स टू 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 और 7, तो चलिए इसका आंसर बी में आ जाएगा 0 1 1, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर 5 माइनस 6 माइनस 1 और 6 माइनस 5 1 और 7 माइनस 7 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, बी डैश इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 1 और 0। तो देखिए देखा फ्रेंड्स आपने, आपने देखा ये, तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं कि बी इज इक्वल्स टू माइनस बी डैश, सॉरी फ्रेंड्स ऐसा नहीं लिखते हैं, बी डैश इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो हमारा आंसर आ जाएगा सो ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब मैं करवा रहा हूं नाइन्थ सम। नाइन्थ सम भी बहुत इजी है फ्रेंड्स, चलिए आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए सम में हमें हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू बड़ा सा मैट्रिक्स, इसको तो हम स्क्वायर से बनवाएंगे, हमारे पास है 0 0 और 0, यहाँ पर है माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए बी और सी, ठीक है फ्रेंड्स। हमें फाइंड आउट करना है 1/2 ए प्लस ए डैश। चलिए इसका बहुत इजी है, हमारे पास है ए डैश इज इक्वल्स टू 0 0 0, यहाँ पर है माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा सी बी और ए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर 0 कुछ ऐसा आएगा। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं ए प्लस ए डैश, तो हो जाएगा हमारा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। इसका हाफ फाइंड आउट करना है, इसका हम हाफ भी करने वाले हैं इंटू 1/2। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं तो इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 0 प्लस 0, तो डायगोनल पहले 0 कर देते हैं, ए माइनस ए हमारा आंसर है 0, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर 0 0 0 0, तो इज इक्वल्स टू ये पूरा हाफ भी उड़ जाएगा 0 0 0 और 0 0 0। तो ये क्या है फ्रेंड्स, यही तो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हमने ये हाफ ए प्लस ए डैश फाइंड आउट कर दिया है, अब हमें फाइंड आउट करने वाला है हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ ए ए माइनस ए डैश, सॉरी फ्रेंड्स गलत लिख दिया, ए माइनस ए डैश बस ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए ध्यान से रब करना पड़ता है क्योंकि
पर ए डैश हमने फाइंड आउट कर लिया है, खाली खोटी मेहनत क्यों करेंगे हम। ये ए डैश को भी रब कर ही देते हैं, उसमें क्या वापस लिख लेंगे। तो ए डैश हमारा हो जाएगा 0 0 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए बी और सी। अब हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, तो हो जाएगा 1/2, करली ब्रैकेट बड़े से करली ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यहां पर है ए माइनस ए डैश, हमारा ए है 0 0 0, ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर 0 0 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर है ए बी और सी। चलिए अब इसको माइनस करना है, तो 1/2 हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पर डायगोनल तो 0 0 0, ए माइनस ए प्लस ए तो हो जाएगा 2a, यहाँ पर 2b, यहाँ पर 2c, यहाँ पर 2c, यहाँ पर 2b और यहाँ पर 2a, तो हमारा अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 0 a b c, 0 0 c b और a। बस हमने फाइंड आउट कर दिया, यही तो हमारा आंसर है। चलिए अब हम करते हैं 10th सम, आप लिख लीजिए इतना 3 2 1। चलिए अब हम करने वाले हैं 10th सम। 10th सम है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिमेट इन द फॉलोइंग इन द एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वो क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कुछ ए हो, ये कुछ फलाना ढिमकाना 0 a b c ऐसा कुछ मैट्रिक्स हो, और ए डैश कुछ ए डैश हो जाएगा 0 c sorry friend a और b ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसको हमें सम ऑफ सिमेट्रिक, तो हमें फाइंड आउट करना है a इंटू ए प्लस ए डैश, तो ये है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमें अगर मैंने ये फाइंड आउट किया a माइनस ए डैश, तो हो जाएगा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, आप इतना लिख लीजिए, 10 नंबर मत लिखना। अगर मैंने ये फाइंड आउट किया तो सम ऑफ सिमेट्रिक, और अगर ये फाइंड आउट किया तो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। बॉक्स फॉर्मूला, बॉक्स फॉर्मूला आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए अब मैं करवा रहा हूँ 10th सम। 10th सम में 4 सम्स है फ्रेंड्स, मैं 2 करवाऊंगा, 2 आप खुद कर लेना। तो मैं करवा रहा हूँ 10th का 1st सम। 10th हमें ए कुछ ऐसा दिया हुआ है 3 5 1 -1, और हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक, तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ सम ऑफ सिमेट्रिक। तो हमारी फॉर्मूला क्या थी फ्रेंड्स, आप याद कीजिए, अभी मैंने लिखा है हाफ ए प्लस ए डैश, तो मैं यहाँ पर हाफ बार लिख रहा हूं, ये बड़ा सा ब्रैकेट अंदर लिखने वाले हैं ए 3 5 1 -1 प्लस यहाँ पर ए डैश, तो हो जाएगा 3 1 5 -1। इसको ऐड करना है, बार 1/2 तो है ही, 3 + 3 = 6, 5 + 1 = 4, 1 + 5 = 6 - 1 - 1 तो -2, तो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 3 3 4 - 2। बस यही तो हमारा आंसर है फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए। मैं इसको कुछ बोल रहा हूँ पी, मैं इसको पी बोल रहा हूँ। अब मैं फाइंड आउट करूंगा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, अब मैं फाइंड आउट करूंगा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप लिख लीजिए ये वाला, यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं अब सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक।
तो हमारे पास फॉर्मूला थी, अभी मैंने लिखी है एक स्लाइड पहले, ए माइनस ए डैश बस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश, बस इतना ही करना है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1/2 बड़ा सा ब्रैकेट, और मैं अब अंदर लिखने वाला हूँ 3 5 1 -1 -3 1 5 -1, बस यही करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ये वाला स्टेप, यहाँ से लिख कॉपी कर रहा हूँ। तो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इसका फाइनल आंसर। हाफ इंटू ए माइनस ए डैश, तो हो जाएगा 3 -3 0, 5 -1 4, 1 -5 -4, और -1 + 1 तो हो जाएगा 0। और इसका हाफ फाइंड आउट करेंगे 0 2 -2 और 0, बस यही तो है हमारा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस यही हमारा आंसर है। आप लिख लीजिए। अब मैं इसका एक सेकंड नंबर सम करवा देता हूँ, आपको जल्दी पता चल जाएगा सब कुछ। चलिए आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए अब एक 3x3 मैट्रिक्स देख लेते हैं, उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमारा अब सेकंड सम ले रहे हैं हम, टेन का सेकंड नंबर सम, वो है हमारा ए कुछ ऐसा दिया हुआ है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। इसका सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूं ए डैश, सिक्स थ्री थ्री यहाँ पर हो जाएगा -2 2 -1 और -2 2 -1, तो ऐसे ही रहा फ्रेंड्स, आपको पता चला ये वाला। चलिए अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक, तो हो जाएगा ए हाफ इंटू ए प्लस ए डैश। हमारा आंसर है हाफ इंटू बड़ा सा इंटू प्लस बड़ा सा इंटू, चलिए 6 -2 2 -1 3 -2 2 -1 और 3। यहाँ पर है 6 -2 2 -1 3 -2 2 -1 और 3। इस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 1/2 तो बाहर है ही, तो हो जाएगा 12 -4, यहाँ पर हो जाएगा 4, हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर 4, -2 और 6 इज इक्वल्स टू, हाफ करेंगे इसका तो हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -2 3। देखिए फ्रेंड्स ये ऊपर वाला आंसर आ गया ना, तो यही तो है हमारा। अगर इसको मैं p इज इक्वल्स टू p डैश सपोज करूं तो हमारा हो जाएगा इट इज अ, सॉरी फ्रेंड ये लिखना ही नहीं है सब, बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए ये हो गया है, इसका सेकंड पार्ट करना है। आप इतना लिख लीजिए, आप ये लिख लीजिए यहां तक, बाकी सब रब हो जाएगा, ऊपर वाला रहेगा बाकी नीचे रब हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए तो चलिए अब हम करने वाले हैं सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, तो हो जाएगा ए माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू 1/2 बड़ा सा ब्रैकेट, अंदर है माइनस, अंदर है दो मैट्रिक्स, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 6 -2 2 -1 3 -2 2 -1 3, यहाँ पर है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। तो चलिए
अब इसका हाफ फाइंड आउट करेंगे। ये तो देखिए ये फ्रेंड, ये कट ये कट ये कट ये कट ये कट, ये सब पूरा कट ही हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 0 0 0, तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको क्यू कुछ सपोज करूं तो हो जाएगा इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए 11 12 बहुत छोटे छोटे दो सम्स बाकी हैं, वो भी खत्म कर लेते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए चलिए 11th सम में कर रहा हूं। यहाँ पर 11th सम में दिया हुआ है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन हम पूछा हुआ है ए बी माइनस बी ए। सिंपली फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही हमारा आंसर है। चलिए हम अब 12th सम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू आई, इफ द वैल्यूज ऑफ ए इज, हमें ऐसा बोला हुआ है। तो चलिए मैं इसके फाइंड आउट कर लेता हूँ वैल्यूज। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले ए डैश फाइंड आउट करेंगे। ए डैश हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा। हमें ए प्लस ए डैश बोला है, तो हो जाएगा 2 cos अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा 0, सॉरी फ्रेंड्स ए प्लस ए डैश बोला है ना, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, यहाँ पर 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू आई बोला हुआ है, तो आई हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, इज इक्वल्स टू आई बोला हुआ है, हो जाएगा 1 0 0 और 1। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सिर्फ एक ही कंपेयर करना है फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 और अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2। कॉस 1/2 पर कब होता है? यस फ्रेंड हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री सीखा है, तो अल्फा हो जाएगा π/3। बस यही हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। तो हमने 3.3 कंप्लीट कर ली है। आप मैंने जितना सीखा है वो सब देख लेना आप। अब नेक्स्ट टाइम हम शुरू करने वाला है 3.4, और अब 2 या 3 लेक्चर में हमारी लेक्चर चैप्टर खत्म होने वाला है। अगर सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।